हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल टैर यू दिस इज़ मनीषा फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है कौन सा बिग चेंज आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा और ये ग्रो uh, जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू वालों के लिए ही होने वाली है ग्रुप नंबर वन पायल मैं इसलिए नहीं रखती हूँ देखिए क्योंकि आपको मेरी बात सुननी है इस वक्त कि मैं क्या बोल रही हूँ ग्रुप नंबर वन उन लोगों के लिए है अगर आपकी उस पर्सन से शादी नहीं हुई है अभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो बट शादी नहीं हुई है तो ग्रुप नंबर वन चूज़ करना है अगर आपकी उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा तो ग्रुप नंबर टू चूज़ करना है बहुत ही ईजी सरल सीधी भाषा में मैं बता रही हूँ उसके बाद कई बार क्या होता है कि समझ नहीं पाते हैं व्यूअर्स तो देखो एंगेजमेंट भी हो गई है कोई बोलते हैं फिर कौन सी पहल चूज़ करनी है इस तरह के कमेंट आते हैं देखिए शादी नहीं हुई ना आपकी अब वो चूज़ करो कुवारे हो आप तो कुवारे वाले जाओ शादीशुदा हो तो शादीशुदा वाली चूज़ करो अगर उस पर्सन के साथ आपकी शादी नहीं हुई है वो आपका बॉयफ्रेंड है, है? ग्रुप नंबर इससे ज़्यादा क्लियर अब मैं क्या ठीक कभी-कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं ऐसे रीडिंग क्यों कर रही हूँ देखिए मुझे लगता है ये पहला चैनल है जिसने हस्बैंड वाइफ के बारे में भी सोचा है इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं अगर किसी को बुरा लगता है तो आप थोड़ा सा सोचो कि अगर आपके लिए तो रीडिंग दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए रीडिंग नहीं हो रही है तो अगर दूसरों के लिए भी हो रही है ग्रुप नंबर टू बनाया जा रहा है उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है दूसरों की खुशी में खुश होना सीखिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ठीक है बुरा मानने वाली बात मुझे इसमें कोई दिखती नहीं है गुस्सा करने वाली बात इसमें कुछ दिखती नहीं है लेकिन अगर फिर भी किसी को गुस्सा आता है तो सोचिए आपको अपने ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है कोई भी नेगेटिविटी फैलाने वाली यहाँ पे बात ही नहीं है और आपको खुश होना चाहिए कि हाँ किसी यूट्यूब चैनल ने तो ऐसा सोचा उन लोगों के लिए खुश होना चाहिए मैं कमेंट पढ़ती हूँ मैं उन लोगों के बारे में क्यों ना सोचूं जो मुझे कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की रीडिंग करो क्यों ना सोचूं अगर मैं आपकी सोच रही हूँ तो मैं उनकी भी क्यों ना सोचूं उनको इग्नोर क्यों करूं मेरी जगह पे आ रख के देखो आ, क्या आप सही कर रहे हैं ऐसा सोच के तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर वन ठीक है पायल इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि आपको पता है ना कि आप कवारे हैं उसके साथ शादी हुई है या नहीं हुई है बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है समझ गए हैं तो ग्रुप नंबर वन है आपके लिए हैं। चलिए देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है किंग ऑफ कप वेरी गुड अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो कैंसर के लिए मैसेज है टॉरस कैपिकोन विरगो वालों के लिए भी है यहाँ पे मैसेज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड किंग ऑफ जैमिना देखिए यहाँ पे रीडिंग हो रही है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में तो है डेफिनेटली हो आप किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल तो मुझे ऐसा दिखता है ये आप की जो एनर्जी है या आप लोगों की लाइफ में कोई मुझे ऐसा पर्सन भी दिखता है मीन्स एक से ज़्यादा Uh, मैं समझ सकती हूँ कि रिलेशनशिप में हो सकते हैं उनकी एक्स हो सकती है आप उनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं एक तरफ आप हैं एक तरफ उनकी एक्स है तो वो पर्सन कंफ्यूज़ हैं लेकिन इन फ्यूचर देखिए आप दोनों का ना मुझे ये नज़र आता है कि कनेक्शन टाइम के साथ साथ स्ट्रोंग ही होने वाला है Uh, कुछ uh, मुझे ऐसा दिखता है कि अभी रिसेंट फ्यूचर की ही हम बात करेंगे लंबे टाइम की बात नहीं करेंगे अभी क्या होने वाला है आगे तो सबसे बड़ा चेंज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों uh, किसी चीज़ को लेके आपस में एक uh, कोई डिसीज़न ले सकते हो बट हो सकता है वो डिसीजन आपका अलग हो और आपके पार्टनर का अलग है दोनों का डिसीज़न मुझे सेम नहीं दिखता बट साथ में ज़रूर दिखते हो आप लेकिन एक डिसीजन आप लेने वाले हो वो मैं देखूंगी कि ऐसा कौन सा डिसीजन है ठीक है कौन सा ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो क्योंकि आप दोनों की राय वहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि कोई और भी पर्सन है इस पर्सन के अलावा जो बहुत केयर करता है आपकी एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ईगो वाले हैं आपकी लाइफ में ऐसे मुझे नजर आ रहा है देखिए मुझे डेस्टिनी में नजर आता है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है ना वो ऐसा होने वाला है कि आप अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने वाले हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप डिसीजन लेने वाले हो आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस्ड होने वाले हो तो उस बीच क्या होगा आप इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन की बातों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगी मुझे ऐसा रिसेंट फ्यूचर में होते हुए नज़र आ रहा है ये बड़ा चेंज है क्योंकि हो सकता है आप अभी सब कुछ पूछ पूछ के अपने पर्सन के साथ करते हो कि ये कर लूँ या वो कर लूँ उसको खुश करने के लिए आप करते हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिख रहा है कि पास में तो आप ऐसा कर रहे थे लेकिन अब आपके अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसमें आप अपने फैसले अपनी लाइफ के खुद लेने वाले हो बिना अपने पार्टनर को पूछे तो जब ऐसा होगा तो थोड़ी सी तकरार आप दोनों के बीच में संभव है बट ऐसा नहीं है कि रिलेशन ख़राब होगा रिलेशन ख़राब नहीं होगा बट दोनों की ओपिनियन दोनों की सोच दोनों की पर्सनैलिटी में मुझे थोड़ा सा चेंज होते हुए नज़र आता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपनी लाइफ अपने करियर के बारे में सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए भी देख लेते हैं आपका तो ये चेंज आ रहा है एस इसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या होगा इसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या होगा देखिए वो भी वैसा ही करने वाले हैं वो भी अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न तो लेंगे वैसे ही बट उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है उनका जो ईगो है कि हमेशा आपको डोमिनेट करना हमेशा आपको नीचा दिखाना कि आप कुछ नहीं कर सकते मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस तरह का अगर बिहेवियर रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा उनका मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टीम टूटने वाली है और ये तोड़ने वाले भी आप होंगे उनका ईगो तोड़ने वाले आप हैं मुझे ऐसा नज़र आता है आप दोनों के बीच में इस तरह का चेंज आने वाला है क्योंकि इस पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है आपको बहुत ज़्यादा आपकी बातों को लाइटली uh, लिया है कि मैं ही सब कुछ हूँ आपको कुछ नहीं पता और जिस तरह के डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में लिए आ, कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ के कोई डिसीज़न लिए ना आपसे पूछा नहीं है ठीक है कई बार आपको बताया भी नहीं है आपको बाद में पता चलता है कि अरे इन्होंने तो ऐसा कर दिया अरे इन्होंने तो ऐसा कर दिया अरे इन्होंने तो शादी के लिए हाँ कर दिया आपको बाद में इन्होंने बताया है इस वजह से ही ये चेंज आपके अंदर आया है अब आ, अब आप अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न अब खुद लेने वाले हो वही सब कुछ अब आपके पार्टनर के साथ होगा पहले होता था कि आप से, आ, लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते थे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था दुखी हो जाते थे परेशान हो जाते थे अब ये पर्सन अपनी हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अंदर जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अब आप अपनी जिंदगी के सारे डिसीज़न अकेले लोगे उनसे बिना पूछ ही लेंगे लाइफ में होता है ना कि करियर जॉब के लिए भी हमको कुछ करना है कहीं जाना है किसको दोस्त बनाना है ये सब इस तरह के डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं आप भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं ब्यूटिफुल एनर्जी है गाइज अगर आप इस एनर्जी में हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका नज़र आता है कि आगे इस रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होने वाली है इसके अलावा और चेक करते हैं यहाँ पे और क्या होगा अगेन देखिए किंग ऑफ कप दो बार आ गया है रीडिंग में स्कॉर्पियो पैसेस कैंसर ये पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं आपको जब आप इनसे थोड़ा सा कटेंगे थोड़ा सा स्पेस देंगे बात करना कम करेंगे अपने ऊपर ध्यान देंगे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको प्यार खत्म हो जाएगा प्यार नहीं ख़त्म हो रहा बट आप अपनी ना सेल्फ़ वर्थ के लिए कर रहे हो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हो तो ये पर्सन को आपकी याद बहुत आने वाली है बट ये आपको खुल के बोलेंगे नहीं क्योंकि ईगो है ठीक है तो खुल के बोलेंगी नहीं बट मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके मुझे नज़र आ रहे हैं आप आपके लिए और कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो इस तरह का चेंज रिसेंट फ्यूचर में आप दोनों के बीच में आने वाला है या अभी से ही आ रहा होगा नो डाउट क्योंकि रीडिंग आज कर रहे हैं कल से ही ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में होना स्टार्ट हो जाएंगी या हो भी रही हूँ ऐसा कोई डाउट नहीं है आप अपने लाइफ अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो आप न्यू लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हो न्यू दोस्तों की तरफ ध्यान दे रहे हो न्यू रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दे रहे हो ये मुझे नज़र आता है आपके बीच में करियर में अभी आपको और चीज़ें मुझे दिखती हैं कि आपका ध्यान अपने करियर में है जॉब पे है बिजनेस में है ये सब चीज़ें आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर वन चूज किया है एंजल मैसेज देखते हैं आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है आगे फ्यूचर में आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए हम ये मैसेज लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए आपको क्या करना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है वो रीज़न की वजह से हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में ये आप अच्छे के लिए हो रहा है आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं ऐसा करेंगे वो पर्सन चला तो नहीं जाएगा नहीं पर्सन सुधरेंगे आपके ठीक है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे के लिए हो रहा है जो भी रिग्रेट है वो उसको रिलीज़ कर दीजिए और जो नई खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आ रही हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ नए लोग आ रहे हैं उनको आप इम्प्रेस करो इस तरह के एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप अब सिल्वर अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दें अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान दें अपनी सेल्फ़ वर्थ को ही पहचानें और आपको दिख भी रहा है कि आप यहाँ पे अकेले खड़े हो और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है बट यस मिस कर रहे हो अपने पर्सन को भी मिस कर रहे हो यहाँ पे मिरर में मुझे एक फेस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही नज़र आता है कि आप उस पर्सन को मिस करोगे आप भी मिस करोगे वो भी मिस करेंगे बट कहीं ना कहीं ना आप थोड़ा सा उनको स्पेस दे रहे हो स्पेस इसलिए भी दे रहे हो ताकि उनको भी समझ में आए कि आप कौन हो आप उनकी लाइफ से अगर निकल जाते हो तो उनको क्या महसूस होगा वो तभी तो होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं तो फ़र्क आता है सामने वाले की एनर्जी में भी जब उनसे भी रहा नहीं जाता है आपके बिना आज जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है ऐसे ही होने दें यही आपको एंजल गाइड कर रहे हैं मैसेज दे रहे हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपको बैलेंस बना के चलने की ठीक है अपनी ज़िंदगी में अपनी ट्विन फ्लेम के लिए भी आप देख रहे हों कोई डाउट नहीं है और आपके जो गाइड है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है और आपको Uh, uh, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो घर देखना जॉब देखना और फैमिली देखना और भी हो सकता है कि सोशल काम आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के चलना है कोई भी प्रोजेक्ट है आपका तो वहाँ पर uh, uh, आपको बैलेंस बनाना है और अपना इसको ना ओवरलोड नहीं लेना है आप क्योंकि आगे जाके आपके ऊपर मुझे काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है काम बढ़ने के लिए कई बार क्या होता है हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपको बैलेंस बना के चलना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ताकि आप अपने काम को भी एज अ फन ले सकें ठीक है स्ट्रेस ना लें आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है ना वो सोच समझ के ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए और पेशेंस रखिए और वेट कीजिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छे ही चेंजेस मिलने वाले हैं आपको इस तरह के देखिए ब्यूटीफुल मैसेजेस आते रहेंगे ठीक है और आपकी प्रोग्रेस होने वाली है ज़िंदगी में अब आपको नए नए प्लान बनाना चाहिए ठीक है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो अभी इस कनेक्शन को आपको थोड़ा स्पेस ही देते हुए नज़र आ भी रहे हैं और एंजल्स आपको उस डिसीजन में सपोर्ट भी कर रहे हैं तो इस बार की रीडिंग यही है गाइस लाइक कर दीजिए अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ग्रुप नंबर टू के लिए रीडिंग देखते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में ये देखेंगे कार्ड कई बार अच्छे से शफल करना ज़रूरी रहता है ताकि एनर्जी अच्छी आए थ्री और फोर यहाँ पे आ रहा है कि कुछ देखिए स्ट्रगल है आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी भी बट घबराने की कोई बात नहीं है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँगी इस एनर्जी के लिए क्योंकि ये मुझे लगता है कि बाहरी लोगों का दखल बहुत ज़्यादा है आपके मैरिड लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर में लोगों की वजह से बाहरी लोगों का आपको ना दखल बंद कर देना चाहिए आप हो या आपके पार्टनर ऐसा नहीं कभी करना चाहिए क्योंकि इस तरह से मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है बाहरी लोग तो देखो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़र्क पड़ता है आपको और आपके बच्चों को समझना चाहिए पार्टनर को कि कभी भी इस तरह के डिसीज़न मैरिड लाइफ को तो स्पॉइल नहीं करना चाहिए किसी भी वजह से और यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ट्रैवल uh, मुझे नज़र आता है यहाँ पे आप ट्रैवल uh, कर रहे हैं नियर फ्यूचर में नियर फ्यूचर इन देंस कल के बाद से ही जो आपके दिन आने वाले हैं इसमें बड़ा चेंज तो यहाँ पे यही दिख रहा है बट परेशान नज़र आ रहे हो आप ट्रैवल नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप साइन uh, की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे है लिब्रा लिब्राक्स एरिस सेजिटेरियस स्कॉर्पियो पायसस कैंसर बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में द लवर्स कार्ड आना बहुत अच्छा है ये बिग चेंज आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आने वाला है वो आपकी मैरिड लाइफ को सक्सेस की तरफ भी ले जा रहा है भले ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं आप दोनों के बीच में झगड़ा कराते हैं पी मीन्स प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा दिख रहा है कि जो लोग भी आपको दुख पहुंचाने वाले हैं तकलीफ देने वाले हैं वो ऐसा कर नहीं पाएंगे एंड द एंड आप दोनों एक ही होंगे और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी हैप्पीनेस रहेगी उसमें आप दोनों का प्यार और वक्त के साथ बढ़ेगा रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे होंगे ये बिग चेंज आपको आ, मिलने वाला है आप अपने पार्टनर के साथ तो शायद ट्रैवल करने वाले हैं अगर नहीं करा तो ज़रूर आपको एक आ, आ, मीन्स आपको एक ट्रिप प्लान करना चाहिए ताकि आप दोनों काफ़ी टाइम से अगर एक साथ नहीं टाइम स्पेंड किया है तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि आप दोनों के बीच में और पहले जैसा प्यार बढ़े और ये जर्नी मुझे दिख रही है ट्रैवलिंग दिख रहा है और मुझे ऐसा नज़र भी आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा रहे हैं उस ट्रिप में आप दोनों और ज़्यादा क्लोज़ आएंगे और और ज़्यादा आपके अंदर पहले जैसा प्यार और कंपेशन मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में ये एक मेजर चेंज नज़र आ रहा है कि बाहरी लोगों का दखल होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं विनर की भूमिका निभाते हुए ही नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा तो यहाँ पर जिमना लेब्रा क्यूरस तो है ही और यहाँ पे फायर साइन भी ज़्यादा है लियो स्लियटेरियस और वाटर साइंस स्कॉर्पियो पार्सिस कैंसर ठीक है और मुझे नज़र आता है कि जो लोग भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आज परेशान हो रहे हैं सो सोच के उन लोगों को मात मिलने वाली है अब वो लोग आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा ट्रबल नहीं कर पाएंगे ऐसा करने से क्या होगा हम चेक कर लेते हैं मुझे लगता है आपने कोई प्रे की है कुछ मैनिफेस्ट किया है वो विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है अगर वो रिलेशनशिप के लिए है तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है और आपके अंदर शायद अभी फियर इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम बीच बीच में नज़र आते हैं मुझे आप थोड़ा सा घबराते हैं इनसिक्योर होते हैं तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर इतना कि आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले हैं ये रिलेशन में आगे जाके अच्छा ही होने वाला है तो आपको रिलैक्स ही रहना है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और बट ये है कि आप अगर अपनी मैरिड लाइफ देखिए इसमें ना एक चीज़ और नज़र आई है मुझे आपकी रीडिंग में तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लियरली कि आ, आपके रिलेशनशिप तो अच्छे होंगे बट डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ध्यान देना शुरू किया आपने फिर से वो पुराना वाला नहीं करना है आपको ना उनको दिखाना है कि आप कौन हो आप एक एम्प्रेस हो ठीक है आपके बराबरी किसी के भी साथ नहीं की जा सकती आपको ऐसा बन के दिखाना होगा कि आपके अंदर भी बहुत सारी स्पेशल क्वालिटी है और ये आपको मुंह से बोल के नहीं बताना है ऐसा आपको एक्चुअल में बनना है ताकि आपके पर्सन को भी वो चीज़ें दिखाई दें जब वो उनको आँखों से दिखेंगी तो वो मन ही मन सोचेंगे आ, अपने बारे आपके बारे में भी कि यस आपके अंदर भी खास बात है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैरिड लाइफ में होने की वजह से आपके अंदर क्या क्वालिटी है आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं वो धीरे धीरे डल होती रहती हैं होता है ना कि पार्टनर को हमेशा शिकायती रहती है ऐसे 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 क्यों क्योंकि हम एम्प्रेस मोड में नहीं आते हैं हम अपनी वर्थ को नहीं पहचानते और जब हम अपनी वर्थ को नहीं पहचानते तो फिर हस्बैंड भी वाइफ भी इग्नोर करने लग जाती है तो आपको कुछ ऐसा बनना है स्पेशल जैसे आप पहले थे जैसे आप स्टार्टिंग में थे नई नई शादी होती है तो कितना क्रेज़ होता है कपल में धीरे धीरे जैसे जैसे शादी लेट होती जाती है टाइम लग होता जाता है तो उसके अंदर भी उस पाक खत्म होने लग जाता है क्योंकि हम जिम्मेदारियों में इतना खो जाते हैं हम ये सोच भी नहीं पाते कि नहीं हम शादीशुदा भी हैं हमारा भी पार्टनर है हमको भी प्यार देना है हमको भी टाइम देना है तो वो चीज़ें कभी कभी फीकी कर देती हैं हमारी मैरिड लाइफ को तो वो दोबारा आपको नहीं करना उसमें आपको बार बार ऐसा करते रहना होगा ताकि आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर हमेशा बना रहे तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं ब्यूटीफुल रीडिंग अभी और ज़्यादा डिटेल में चेक करते हैं मैं कई बार रीडिंग करती हूँ तो सिचुएशन के हिसाब से मैं हमेशा गाइड करती हूँ अभी थोड़ा सा दिक्कत है कि आपको आ, आ, जब वो पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ ध्यान देने लगे तो आपको पूरी तरह से ऐसे नहीं बन जाना कि आप पहले जैसे करने लगे ठीक है अदरवाइज स्ट्रगल होगा कुछ दिन अच्छा रहेगा फिर से वो आपके साथ वैसा करने लगेंगे तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अपनी सेल्फ वर्थ रखना कि आपके अंदर जो जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उसका एहसास दिलाना आपके पर्सन को बहुत ज़रूरी है और ये कैसे लगाना है अपना दिमाग लगाइए कि आप अपने पर्सन को इस चीज़ का एहसास कैसे कराएंगे आपके पार्टनर हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ठीक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क लेके आओ नहीं तो स्ट्रगल दिख रहा है मुझे डेफिनेटली ठीक है ये लोगों की वजह से इसीलिए आपका जो जिन लोगों के साथ भी सामना है वो भी कम लोग नहीं है क्योंकि कई बार तो घर के लोग भी दखल देते हैं अब घर के लोगों को बाहर तो निकाला नहीं जा सकता वहीं पे रहना होता है तो वहीं पे रहना है आपको सरवाइव करना है तो उनसे बेहतर आपको दिखाना होगा कुछ करके चलिए अभी और रीडिंग देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं आपकी लाइफ में और क्या अच्छा होने वाला है इटो तो वॉन्स देखिए बार बार ट्रैवल आ रहा है आई डोंट नो बाई आप कहीं जाने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ घूमने नहीं जाने वाले हैं तो ट्रिप प्लान कर लो जाना चाहिए आपको ठीक है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवल और अगेन मेजिशन कार्ड आया है आपकी कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है इस रिलेशनशिप में आपने जो भी आज तक मैं, आ, मैनिफेस्ट किया है और ये ट्रैवल आपके लिए अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ ठीक है फ्री ऑफ कप्स और बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है कि आप एक फ्रेंड की तरह रहते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रेंड की तरह फिर से फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आ रही है क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं ये एक मेजर चेंज आप दोनों के बीच में आने वाला है पेशेंस रखो ठीक है और देखिए इम्पेशन नहीं होना कई बार होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं पूरी हंड्रेड परसेंट सुधर तो नहीं जाएंगे आपके पार्टनर धीरे धीरे सुधरेंगे वक्त लगेगा तो इसलिए टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पे आया है तो टेम्परेंस कार्ड का आना तो मुझे यही दिखाता है इसलिए सर्जिटेरियस ही है यहाँ पे आ, एनर्जी वाटर साइन भी है यहाँ पे एयर साइन भी है फायर साइन भी है आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ मेरिड लाइफ पे ध्यान दो ठीक है फुक फुक के कदम अभी भी रखने होंगे आपको डिस्प्रिट नहीं होना है क्योंकि कई बार हम डेस्परेट होके भी सारा काम खराब कर देते हैं इतने टाइम से जो करते हैं आ रहे होते हैं आपकी ये विश पूरी होने वाली है अगर आपने कुछ हीलिंग स्पेल वर्क किया है तो वो मुझे वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है अभी एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं या इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है ठीक है अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करें ठीक है अपने ऊपर कंसंट्रेट करो और आपको ना कुछ और चीज़ों की तरफ अप्रोच करना चाहिए क्योंकि आप क्या करते हैं चौबीस घंटे पीछे पीछे घूमते हैं ना अगर अपने पार्टनर के तो ये ये भी नहीं करना ठीक है गाइडेंसी में यही आ रहा है तो इसी वजह से मैंने भी बोला कि वार्निंग है ऐसा नहीं है कि वो आए तो आप पूरी तरह से अपना सेल्फ वर्थ खो दे फिर से वही गलतियां करने कई बार क्या होता है कि हम अपना देखते नहीं जो पार्टनर ने कर दिया कह दिया हम वही करते हैं उनको खुश करने के लिए इसलिए उन्होंने कभी वैल्यू भी नहीं की क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पीछे घूमना भी तो सही नहीं होता है बट ज़्यादातर हम ऐसा कर जाते हैं प्यार के चक्कर में कि हस्बैंड हमारी वैल्यू करने लगे वाइफ हमारी वैल्यू करने लगे अगर अगर आप चाहते हैं कि वो वैल्यू करें तो आपको अपनी स्पेशल क्वालिटी दिखानी होगी उनको करके ताकि वो आपकी वैल्यू करें तो ये चीज़ यहाँ पे भी मैसेज आया है आपके लिए ठीक है और आपको दोस्त बनाने हैं डेफिनेटली अपने अच्छे दोस्त बनाओ सोल फ्रेंड्स बनाओ बट आपको बहुत अच्छे क्योंकि ये जो टाइम है ना वाइजली चूज़ करो ऐसे ही किसी को भी चूज़ नहीं करना है किसी के ऊपर भी अभी भी आपको भरोसा नहीं करना है तो अपना ध्यान ना थोड़ा सा मीनिंग ढूंढो आप अपनी लाइफ का भी मीनिंग ढूँढो अपनी लाइफ का पर्पज़ ढूँढो फिर आपके अंदर की जो स्पेशल क्वालिटी होगी वो आपके पार्टनर को भी दिखाई देंगी कि आप कितने स्पेशल हैं और अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं वाइजली चूज़ करते हैं तो देखिए आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी ठीक है और ये जो टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का है और ऑप्टिमिस्टिक प्लान बनाओ अपनी लाइफ को और, और ज़्यादा इन्हांस करें अपने ऊपर ध्यान देना है अपने ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना है अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दो अपनी लुक्स के ऊपर ध्यान दो कुछ ऐसा नया चेंज लेके आओ ना आप कितने साल से जो आपके अंदर नहीं आया कि आपके पार्टनर पे आपको देखे तो उनकी आंखें खुली रह जाए इस तरह का चेंज लेके आओ चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए हाउसवाइफ को वाइफ को ठीक है अगर हम चेहरे पे स्माइल रखते हैं तो सबका मन करता है हमसे बात करने का अगर हम स्माइल नहीं रखते हैं आ, हम पति के बच्चे भी भाग जाएंगे देख के तो ये गलतियाँ हम कर जाते हैं समझ ही नहीं आती हमको कोई समझाने वाला नहीं कोई बताने वाला नहीं क्योंकि हमको कई बार ऐसा ही लगता है ना कि हमारी तो कभी कोई गलती नहीं होती सारी गलती सामने वाले की ही है हमने तो सब कर लिया बट चेहरे पे स्माइल अपने रखी नहीं कौन आएगा बात करने ठीक है चेहरे पे स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है खुश होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान दोगे कुछ अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे तो आप अंदर से खुश महसूस भी करोगे अपने लिए कुछ नहीं करोगे आप अंदर से ही टूटे रहोगे तो क्या चेहरे पर स्माइल आएगी आप ना अपनी लाइफ में अब नए पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं जो आपने लाइफ में पहले कभी ना किया हो इस रिलेशनशिप में ठीक है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा रोमांस रहेगा वैसे ही रहेगा अगर आप यह गाइडेंस फॉलो करोगे डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैरिड लाइफ में वो स्पार्क वापस ना आ जाए जो न्यूली मैरिड कपल में होता है सब कुछ हमारे अपने हाथ में है कि अपने अपने पार्टनर को किस तरह से रखना है एक छत के नीचे इतने साल से आप रहते हैं बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से उनको पता होता है तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए किस तरह से चाहिए उनको किस तरह से आप अगर उनके अंदर प्रॉब्लम है भी नहीं सुनते हैं तो किस तरह से आप अपनी बात उनके सामने रखें उनको समझाएं अगर नहीं आता है तो फिर तो मैं बोलूँगी ये आपके अंदर कमी है कि आप अपने हस्बैंड को संभाल नहीं पाते हैं आप अपनी वाइफ को आपको अभी भी नहीं पता है कि किस तरह से आप फिर जान नहीं पाए अपने पार्टनर को ठीक है तो वो समझदारी वो स्मार्टनेस हर हाउस वाइफ में होनी चाहिए अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ को हमेशा हेल्दी रखना है वरना अप डाउन तो देखो बहुत आते हैं और यहाँ पे देखिए स्प्यूचर मैसेज भी आ रहा है कि आपको और ज़्यादा डीप जाना चाहिए अपने अंदर और ज़्यादा पावर दिखाओ अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा इन्हांस करो इस तरह के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं एंजल मैसेज कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में अच्छे आने वाले हैं करियर वाइज भी आप तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आज की रीडिंग में यही है तो इतनी वंडरफुल रीडिंग के लिए लाइक like! बनता है लाइक जरूर करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल का ताकि किस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय टेक केयर